तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सफेद कपड़ों को हम कैसे सुरक्षित रखें, कैसे इनके चमक को बरकरार रखें और कैसे इन्हें हम दाग धब्बों से दूर कर सकते हैं। चाहे वो शर्ट हो या स्कूल के ड्रेस हो या फिर कुर्तीज हो, लेगिंग्स हो, जो भी हो, आपको जो व्हाइट कलर में जो भी कपड़े हैं, आप कैसे उन्हें बिल्कुल साफ रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, आज के इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे जो जरूरी बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप कोशिश करें कि जो सफेद कपड़े हैं आप उनको अलग से धोएं, यानी कि अगर आप वॉशिंग मशीन में धोते हैं या फिर हाथ से धोते हैं कपड़े, तो कोशिश करें कि कभी भी सफेद कपड़ों को कलरफुल कपड़ों के साथ ना धोएं। इससे क्या होता है कि जो कलरफुल कपड़े होते हैं कहीं ना कहीं से रंग छोड़ते हैं और सफेद कपड़ों को खराब कर देते हैं और इससे दाग धब्बे बन जाते हैं हमारे सफेद कपड़ों पे। इसी तरह से आप जब भी इन्हें सुखाने के लिए फैलाएं तो ध्यान रखें कि वहां पे जो धूप है बहुत ही अच्छे तरीके से है, अच्छी मात्रा में है। इसको डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप सुखाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है सफेद कपड़ों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपने सफेद कपड़ों को बहुत ही लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर कभी कभार बच्चे सफेद कपड़े पे कुछ गिरा देते हैं, जैसे कि चॉकलेट हुआ या फिर खाने पीने की चीजें हुई या फिर गलती से कभी दाग धब्बे लग गए, कोई कलर लग गया सफेद कपड़ों पे, तो उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो मैं आपको आज यही बताने जा रही हूं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी। आप ये प्रोसेस बकेट में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गर्म पानी लें और साथ में लें नींबू। नींबू बहुत ही अच्छी चीज होती है सफेद कपड़ों को चमकदार बनाए रखने के लिए। इससे बहुत ही अच्छी शाइन आती है और जो भी थोड़े बहुत दाग धब्बे होते हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ नींबू लें और नींबू को आपको इस गर्म पानी में डालना है और फिर अपने जो व्हाइट कपड़े हैं इसमें डुबो के कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद इसे आप वॉश कर दें। इससे आपके जो सफेद कपड़े हैं बिल्कुल चमचमा उठेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने आधा नींबू लिया है, लेकिन आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग, यानी कि ज्यादा कपड़े हैं तो आप 1 से 2, 2 से 3 नींबू भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से नींबू का यूज आप जरूर करें सफेद कपड़ों के लिए। डिटर्जेंट से अच्छा होता है नींबू का यूज करना। अब नेक्स्ट जो चीज मैंने लिया है यहाँ पर छोटी सी कटोरी में, ये है व्हाइट विनेगर, जो कि हम चाइनीज फूड के लिए यूज करते हैं। तो इसे आप यूज कर सकते हैं व्हाइट कपड़े धोने के लिए। आपको करना क्या है कि ये व्हाइट विनेगर आप गर्म पानी में डालें और फिर आप इसे ऐसे छोड़े थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 3 से 4 मिनट। उसके बाद आप इस व्हाइट कपड़े को इसमें डाल के छोड़ देते 2 से 3 घंटे और उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है। ये भी जितनी भी गंदगी होती है, कोई भी दाग धब्बे होते हैं, उससे ये छुटकारा दे देता है। तो व्हाइट कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है व्हाइट विनेगर। आप इसे जरूर यूज करें। आप एप्पल साइडर विनेगर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो। बस विनेगर होना चाहिए ताकि जो जो भी गंदगी होती है, जो भी दाग धब्बे, उसे ये निकाल सके। तो इस तरह से आप पानी में डाल के सफेद कपड़े को इसमें डाल देना है आपको और वॉश कर लेना 3 से 4 घंटे के बाद। ये प्रोसेस था गर्म पानी के लिए। इसी तरह से घर में एक बहुत ही अच्छी चीज रहती है हमारे घर में, वो होता है बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा भी बहुत ही अच्छा काम करता है व्हाइट कपड़ों में, चाहे कोई भी कपड़े के लिए बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके पास डिटर्जेंट नहीं है, कभी कभार घर में ऐसा होता है, तो आप व्हाइट विनेगर, नींबू और सिरका, इन तीनों चीजों को मिला के पानी में डाल के आप कोई भी कपड़े धो सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर करता है कपड़ों को। तो इस तरह से 1 से 2 चम्मच आप डाल दें और इसे अच्छे से चलाएं। आगे चलाने के बाद आप इसको अच्छे से इसको व्हाइट कपड़े को डाल दें। इस तरह से भी कपड़े जो है सफेद कपड़े वो बहुत ही चमकदार बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं।
और इसे आप चाहें तो रात भर भी भिगो के रख सकते हैं अगर ज्यादा अच्छा असर देखना चाहते हैं आप। तो इस तरह से बेकिंग सोडा, नींबू, सिरके का यूज करके आप सफेद कपड़े को बहुत ही अच्छे से चमकदार बना सकते हैं। अब रही बात दाग धब्बे कैसे छुड़ाएं, तो आप सबसे पहले क्या करें, कभी कभी अगर दाग लग भी जाए सफेद कपड़ों पे, खाने पीने की चीजें कोई भी चीज हो, तो आप ठंडे पानी में पहले उसको धोएं, उसके बाद उसके ऊपर आप नींबू और सिरके को रगड़े, उससे बहुत ही अच्छे से वो क्लियर हो जाता है जो भी दाग धब्बे होते हैं। इसी तरह से एक और ट्रिक है, एस्प्रिन करके एक दवा आती है, उसका यूज भी आप कर सकते हैं। और एस्प्रिन को जो गोलियां होती हैं उसे कूट के आपको पानी में डालना होता है, उसके बाद सफेद कपड़े को डालना होता है उसके अंदर और भिगो के ऐसे ही 6 से 7 घंटे आपको छोड़ने होंगे और तब आप उसको वॉश कर सकते हैं। तो इस तरह से सफेद कपड़े बहुत ही सुरक्षित रहते हैं। इनमें से कोई भी ट्रिक आप आजमा सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।